हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एके ऑनलाइन पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके ऑनलाइन पॉइंट के एक और वीडियो में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को एमएस वर्ड 2016 के स्पेशल शार्ट की के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आपके जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम चल रहा है, वहाँ पर आप लोगों से अधिकतर टॉपिक यानी कि जो मेन टॉपिक है आपका एमएस वर्ड 2016 और एमएस एक्सेल 2016 और एमएस पावर पॉइंट 2016 है। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एमएस वर्ड 2016 की जितनी भी स्पेशल शार्ट की मेरे पास है, उन सभी को एक ही वीडियो में हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सारे के सारे शार्ट की यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जी हाँ फ्रेंड्स, और ये एमएस वर्ड 2016 की है। और हमने हिंदी की भी सीरीज स्टार्ट की थी, तो बेसिक फंडामेंटल की क्लासेस हमने हिंदी में ख़त्म कर दी है। तो फ्रेंड्स, एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाएगा हिंदी में बहुत ही जल्द। तो ये क्लास आपकी इंग्लिश होगी, यानी कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लोग ले सकते हैं, दोनों माध्यम से जो लोग पेपर देना चाहते हैं, क्योंकि शार्ट की तो एक जैसी ही होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, और हम आपको बता दें कि आपका जो एमएस वर्ड 2016 से ही क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे हैं। अगर आप लोग एग्जाम में ज़्यादा फोकस करें तो एमएस वर्ड 2016 और एमएस एक्सेल 2016 पर ही करें। बेसिक फंडामेंटल, मेमोरी और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये सारे जो चैप्टर हैं आपका इंटरनेट, यहाँ से केवल 4 से 5 क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे हैं। बाकी आपका वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट 2016 से ही क्वेश्चंस को पुट अप किए जा रहे हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं पीडीएफ पर और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। फ्रेंड, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको ले चलते हैं जो कि पीडीएफ क्रिएट किया गया है स्पेशल शार्ट की के लिए उस पर। तो आप लोग देख पा रहे हो फ्रेंड्स, मैं पीडीएफ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर स्पेशल 2016 के ही शार्ट की को शामिल किया गया है। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर सबसे पहला जो दिया गया है, गो टू टेल मी व्हाट, आप लोगों को थोड़ा नीचे कर देता हूँ, व्हाट यू वांट टू डू। तो अगर इसकी शॉर्ट की आपको यूज़ करना है तो अल्टर प्लस क्यू होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अल्टर प्लस क्यू इसकी शॉर्ट की होगी। फिर इस पे दिया गया है ओपन का, ओपन का कंट्रोल प्लस ओ होगा। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट की अधिकतर मिलती जुलती रहती हैं सभी वर्जन की। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है सेव यानी कंट्रोल प्लस यस। उसके बाद आपका क्लोज है यानी कि कंट्रोल प्लस डब्लू। फिर आप लोगों का यहाँ पर दिया गया है कट यानी कि कंट्रोल प्लस एक्स। फिर दिया गया है कॉपी, कंट्रोल प्लस सी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये शॉर्टकट की हैं। आई होप इनमें से कुछ आप लोगों को पता होगा, बट आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इंपॉर्टेंट शॉर्ट की यहाँ पर मिलने वाली है 2016 वर्जन एमएस वर्ड की। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पेस्ट दिया गया है यानी कि कंट्रोल प्लस बी। सेलेक्ट ऑल दिया गया यानी कि कंट्रोल प्लस ए। बोल्ड का दिया गया यानी कि कंट्रोल प्लस बी। इटैलिक का दिया गया यानी कंट्रोल प्लस आई। अंडरलाइन का दिया गया यानी कंट्रोल प्लस यू। और डिस्क्रीज फॉन्ट साइज 1 पॉइंट का दिया गया यानी कंट्रोल प्लस। और आप लोग ये वाला जो ब्रैकेट आप देख पा रहे हैं, इस ब्रैकेट के बारे में बताया गया है, ठीक। उसके बाद फिर इंक्रीज फॉन्ट साइज, फिर इसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं कंट्रोल, उसके बाद ये वाले ब्रैकेट की यहां पर बात कही जा रही है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, सेंटर टेस्ट। आप लोग देख पा रहे हो टेस्ट को सेंटर कैसे करोगे, उसका जो शॉर्ट की है यहां पर कंट्रोल प्लस ई है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट हो गया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो अभी आप लोग लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब करके रखे हैं वो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था, तो आप लोग जरूर बेल आइकन को प्रेस कर दें, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। और आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर फिर दिया गया है लेफ्ट एलाइजिन टेस्ट, इसका क्या होगा शॉर्ट की, कंट्रोल प्लस एल। फिर राइट एलाइजिन टेस्ट दिया गया है कंट्रोल प्लस आर। फिर कैंसिल का दिया गया है स्केप। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अंडू का दिया गया है कंट्रोल प्लस जेड। रीडियो का दिया गया है कंट्रोल प्लस वाई। उसके बाद जूम का दिया गया अल्टर प्लस डब्लू, या फिर क्यू देन टैब इन जूम डायलॉग्स बॉक्स टू द वैल्यू यू वांट। फिर आगे बढ़ते हैं, आप लोग देख पा रहे हो निगेटिव द रिवन विथ ओनली द कीवर्ड। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, एक्सेस कीज फॉर रिवन टैब्स। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर टू यूज बैक स्टेज व्यू ओपन द फाइल पेज, तो उसका एक शॉर्ट की क्या होगा, अल्टर प्लस एफ। फिर दिया गया है टू यूज थीम्स कलर एंड इफेक्ट सच एज पेज बॉर्डर्स ओपन द डिजाइन टैब, अल्टर प्लस जी। यानी कि जो आप लोगों का टू यूज थीम, यूज थीम यूज करने के लिए जो कलर्स एंड इफेक्ट और सच एज पेज बॉर्डर्स, जो पेज बॉर्डर्स होते हैं, ओपन द डिजाइन टैब, ये सारी चीज़ें आपको अल्टर प्लस जी प्रेस करने पर मिल जाएंगी। फिर दिया गया टू यूज कॉमन फॉर्मेटिंग कमांड्स पैराग्राफ स्टाइल्स और टू यूज द फाइन टूल ओपन होम टैब। तो ये सारी चीज़ें आपको अल्टर प्लस एच प्रेस करने पर
मिल जाएंगी। उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर टू मैनेज मेल मर्ज टास्क और टू वर्क विथ इनबॉक्स एंड लेबल्स ओपन मेलिंग्स टैब यानी अल्टर प्लस यम। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हो आगे बढ़ोगे टू इंसर्ट टेबल्स पिक्चर्स एंड सेव हेडर्स आर टेक्स्ट बॉक्सेस ओपन इंसर्ट टैब। तो आप लोग देख पा रहे हो ये सारी चीज़ें यानी कि इंसर्ट टेबल टेबल इंसर्ट कराना, पिक्चर एंड सेव्स, हेडर्स आर टेक्स्ट बॉक्सेस ओपन करना, ओपन इंसर्ट टैब, ये सारी चीज़ें आपको अल्टर प्लस यन प्रेस करने पर मिल जाएंगी। फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा और इन सारी शॉर्ट की को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। आई होप अब शॉर्ट की आपसे अदर कहीं से नहीं आएंगे, सारी की सारी शॉर्ट की यहाँ पर शामिल कर दी गई हैं एम एस वर्ड 2016 की। तो जो भी क्वेश्चंस पुट अप होंगे शॉर्ट की के यहीं से आएंगे। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर दिया गया है टू वर्क विथ पेज मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन और इंडिनेशन एंड स्पेसिंग ओपन लेआउट टैब अल्टर प्लस पी से होगा। आगे बढ़ते हैं आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर दिया गया है टू टाइप अ सर्च टर्म फॉर हेल्प कंटेंट ओपन टेल मी बॉक्स और रिवन। तो जो टाइप अ सर्च टर्म होगा सर्च टर्म फॉर हेल्प कंटेंट, हेल्प कंटेंट के लिए या ओपन टेल मी या ओपन करने के लिए बॉक्स और रिवन या बॉक्स रिवन के लिए उसका क्या होगा अल्टर प्लस क्यू या देन इंटर द सर्च टर्म होगा। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर दिया गया है टू यूज एस्पेल, आप लोग देख पा रहे हो चेक या सेट प्रूफिंग लैंग्वेज आर टू ट्रैक एंड रिव्यू चेंज टू योर डॉक्यूमेंट्स ओपन द रिव्यू टैब, इसका क्या होगा अल्टर प्लस आर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर दिया गया है टू एडेड अ टेबल ऑफ कंटेंट्स और फुट नोट्स आर अ टेबल ऑफ सीट, आप लोग देख पा रहे हो सीटेंट्स और ओपन द रेफरेंसेस टैब, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेगी अल्टर प्लस यस पर। फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर देख पा रहे हो दिया गया टू चूज अ डॉक्यूमेंट व्यू आर मोड सच एज रीड मोड आर आउटलाइन व्यू या फिर ओपन द व्यू टैब या फिर यू कैन ऑल्सो सेट जूम मैग्निफिकेशन एंड मैनेज मल्टीपल विंडोज आप डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलने वाली है तो अल्टर प्लस डब्ल्यू पर मिलेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि टू चूज आर डॉक्यूमेंट्स व्यू आर मोड, उसके बाद आपको ऑप्शंस में ढेर सारी शॉर्ट की दी जाती है यानी कि चार से पांच शॉर्ट की दी जाएंगी ऑप्शन में, वहां पर अगर आपका एक ऑप्शन रहेगा अल्टर प्लस डब्ल्यू तो आप लोग चूज कीजिएगा अल्टर प्लस डब्ल्यू पर। यहाँ पर जो भी कॉमा में की गई है सारे के सारे क्वेश्चन समझो आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। इस तरह से जो भी क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे वहां पर केवल आपको एक ही चीज चुनना है, एक ही ऑप्शन चुनना है अल्टर प्लस डब्ल्यू को। फिर आगे बढ़ते हैं आप लोग देख पा रहे हो यूज कमांड्स ऑन अ रिवन विद द कीवर्ड, यानी कि जब आप यूज कमांड्स ऑन अ रिवन, रिवन का यूज करके एक कमांड का यूज करेंगे विद द कीवर्ड, कीवर्ड के साथ, तो वहाँ पर क्या क्या शॉर्ट की बनने वाली है यहाँ पर बताया गया है। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो टू मूव द लिस्ट ऑफ रिवन टैब्स प्रेस अल्टर, टू गो डायरेक्टली टू अ टैब प्रेस अ कीवर्ड शॉर्ट की, तो टू मूव इन टू अ रिवन प्रेस द डाउन एरो की, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। टू मूव बिटवीन कमांड्स प्रेस द टैब की और शिफ्ट टैब। फिर यहां पर दिया गया टू मूव इन द ग्रुप्स दैट्स करेंटली सिलेक्टेड प्रेस द डाउन एरो की। उसके बाद दिया गया टू मूव बिटवीन ग्रुप्स आर आर इवन प्रेस कंट्रोल प्लस राइट एरो आर कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। उसके बाद दिया गया कंट्रोल्स ऑन द रिवन आर आप देख पा रहे एक्टिवेटेड इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंट्रोल, तो इसके लिए आप लोग देख पा रहे हो सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। और आप लोग देख पा रहे हो इफ़ द सिलेक्टेड कमांड बटन टू एक्टिव इट प्रेस स्पेस बार आर इंटर, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो टू सेलेक्ट कमांड आपको कमांड सेलेक्ट करना है इज द बटन, बटन से टू एक्टिव इट प्रेस स्पेस बार आर इंटर, आपको स्पेस बार प्रेस करना होगा या फिर इंटर प्रेस करना होगा। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इस तरह का कि इफ़ द सेलेक्टेड कमांड इज अ बटन, आप एक बटन से कमांड को सेलेक्ट कर लेंगे टू एक्टिव इट, तो एक्टिव करेंगे किससे एक्टिव होगा तो प्रेस स्पेस बार आर इंटर बटन से एक्टिव होगा, वहाँ पर आपको ऑप्शन में स्पेस बार आर इंटर बटन मिलेगी। उसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि इफ द सिलेक्टेड कमांड इज अ स्प्लिट बटन, यानी कि इफ द सिलेक्टेड कमांड इज अ स्प्लिट बटन का यूज करके आप किसी भी कमांड को सिलेक्ट करते हो तो दैट इज बटन दैट ओपन्स अ मेनू ऑफ एडिशनल ऑप्शंस टू एक्टिव इट प्रेस अल्टर प्लस डाउन एरो, वहां पर अल्टर प्लस डाउन एरो का यूज आप लोग करोगे। ठीक, ये ऑप्शन में आपको दिए रहेंगे और इस तरह से कुछ क्वेश्चन आप लोगों का पुटअप किया जाएगा। फिर है टैप थ्रूआउट द ऑप्शंस टू सेलेक्ट द करंट ऑप्शंस प्रेस स्पेस बार और इंटर, ये सारी बटन्स बारे में बताया गया है और आप लोग देख पा रहे हो फिर से दिया गया है। और तभी हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि एक वीडियो में कवर करना अगर मुश्किल है, फिलहाल मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर आगे दिया गया है कि इफ़ द सिलेक्टेड कमांड
इज अ लिस्ट सच एज द फॉन्ट लिस्ट, टू ओपन द लिस्ट प्रेस द डाउन एरो की और देन मूव बिटवीन आइटम्स यूज द अप एरो आर डाउन एरो की, ये सारे की के बारे में बताया गया था। फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि 2016 की मेरी बुक फिर रेडी हो गई है, बहुत ही जल्द आप लोगों को वो बुक मिलने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, और आप सभी को मैं जैसे कि आपकी जो पहली बुक प्रोवाइड किया था तो वहाँ पर जो भी मटेरियल्स थे हमने सारे आपको क्लास वाइज क्लास लिया और पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया टेलीग्राम पर, ठीक, वो सारी की सारी बुक के मटेरियल्स अवेलेबल करा दिए। कुछ मटेरियल्स रह गए हैं फिलहाल, उनको भी जल्द अवेलेबल करा देंगे टेलीग्राम पर। तो इस तरह से जो न्यू बुक हमने रेडी की है, न्यू बुक 2016 की, वो भी अगर आप परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर सकते हो, यानी कि कल हम आपको बता देंगे, या फिर आपको इसी तरह डेली वाइज, ये मेरे बुक का ही एक पीडीएफ है, इस तरह से हमने एमसीक्यू भी तैयार किया है एमएस वर्ड का, तो डेली आपको इसी तरह क्लास लेंगे और आपको पीडीएफ भी शेयर कर देंगे, ठीक। ये भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बहुत ही जल्द मिल जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बट आप वीडियो को जरूर वाच कीजिएगा, लास्ट तक वाच कीजिएगा, क्योंकि मैं पीडीएफ कब शेयर करूं टेलीग्राम पर यह कंफर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं यूज एक्सेस की व्हेन यू सी द की टिप्स, तो एक्सेस की का जब आप यूज करोगे यू कैन सी द की टिप्स, की टिप्स यहाँ पर दी गई है प्रेस अल्टर, यानी टू यूज एक्सेस की प्रेस अल्टर, तो प्रेस द लेटर सो इन द स्क्वायर की टिप द डैट अपीयर्स ओवर द रिवन कमांड दैट यू वांट टू यूज, यहाँ पर आपको एक रिवन कमांड ओपन हो जाएगा ओवर द रिवन कमांड, और जिसका वांट टू यूज आप यूज कर सकते हो प्रेस अल्टर के साथ। और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर दिया गया डिपेंडिंग ऑन व्हिच लेटर यू प्रेस यू मे वी सो एडिशनल के टिप्स, तो यहाँ पर कुछ एडिशनल के टिप्स बताया जा रहा है कि व्हिच आर स्मॉल इमेज ऑफ अ लेटर नेक्स्ट टू कमांड बटन ऑन द टैब दैट यू पिक्ड, फॉर एग्जाम्पल इफ यू प्रेस अल्टर प्लस एफ, जब आप अल्टर प्लस एफ प्रेस करते हो तो द ऑफिस बैक स्टेज ऑप्शन ऑन द इंफॉर्मेशन पेज व्हिच हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ की टिप्स, ठीक, तो ये की टिप्स हुई। इफ यू देन प्रेस अल्टर अगेन, फिर से आप अल्टर अगर आप प्रेस कर देते हो तो की टिप्स आर आप लोग देख पा रहे हैं नेविगेटिंग ऑन दिस पेज अपीयर, आपका पेज अपीयर हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ शॉर्ट की, माफी चाहते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा तबीयत खराब है यहाँ पर, तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगर आप सेलेक्ट द एक्टिव टैब ऑन द रिवन एंड एक्टिव द एक्सेस कीज, ठीक, आपको एक्टिव टैब सेलेक्ट करना हो या फिर रिवन एंड एक्टिव द एक्सेस कीज, अगर इस तरह से क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं तो वहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, अल्टर आर एफ टेन, ठीक, अल्टर या एफ टेन इसकी शॉर्ट की होगी। यूज एक्सेस की टिप्स आर एरो कीज टू मूव टू अ डिफरेंट टैब, इसके लिए यूज की जाती है अल्टर या फिर F10, फिर मूव द फोकस टू कमांड ऑन द रिवन, ये पूछा जाए तो आप लोग वहां पर क्या चूज करेंगे, टैब आर शिफ्ट प्लस टैब, यानी कि इसकी दो शॉर्ट की बनेंगी, टैब या फिर शिफ्ट प्लस टैब। फिर यहां पर दिया गया है मूव द फोकस टू ईच कमांड ऑन द रिवन फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिस्पेक्टिवली, तो आप लोग देख पा रहे हो इसका क्या होगा शॉर्ट की, टैब या फिर शिफ्ट प्लस टैब, इसकी भी यही शॉर्ट की होगी। फिर यहाँ पर दिया गया मूव डाउन अप लेफ्ट और राइट या रिस्पेक्टिवली एमंग द आइटम्स ऑन द रिवन, ये सारी चीज़ें आपको किस शॉर्ट की से होंगी, कि मूव डाउन होगा या अप या लेफ्ट और राइट, ये सारी चीज़ें डाउन एरो से होगा, अप एरो से होगा, लेफ्ट एरो से होगा और राइट एरो से होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो स्पेंट और क्लैश द रिवन, तो आप लोग देख पा रहे हो कोलैप्स द रिवन, इसका शॉर्ट की क्या होगा, कंट्रोल प्लस F1। फिर आगे बढ़ेंगे डिस्प्ले द शॉर्ट की मीनू फॉर आ सेलेक्ट आइटम, तो जो डिस्प्ले पर शॉर्टकट मीनू फॉर द सेलेक्ट आइटम के लिए आपका कौन सा शॉर्ट की यूज करना पड़ेगा, तो शिफ्ट प्लस F10। फिर आगे बढ़ते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया मूव द फोकस टू अ डिफरेंट पेन ऑन द विंडोज सच एज द फॉर्मेट पिक्चर्स पेन द ग्रामर पेन ऑन द सिलेक्शन पेन, यानी कि जो यहाँ पर ग्रामर पेन है या सिलेक्शन पेन है या फिर फॉर्मेट पिक्चर पेन है, ये सारी जो चीज़ें दी गई हैं, मूव या फोकस और डिफरेंट पेन है, ये कैसे आप ओपन करोगे, F6, इसके साइड की क्या होगी, F6 होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि एक्टिव आ सिलेक्टेड कमांड और कंट्रोल ऑन द रिवन, आप किसी भी सिलेक्टेड कमांड को एक्टिव करना चाहोगे या फिर कंट्रोल ऑन द रिवन, रिवन को कंट्रोल करना चाहोगे, वो किससे होगा, स्पेस बार और इंटर बटन से होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं ओपन आ सिलेक्ट मीनू आर गैलरी ऑन द रिवन, तो रिवन का किसी भी मीनू को सिलेक्ट करोगे या फिर गैलरी ऑन रिवन पर जाओगे तो वो स्पेस बार और इंटर से ही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर दिया गया है
कि क्रिएट आ न्यू डॉक्यूमेंट। तो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस एन, फिर ओपन आ न्यू डॉक्यूमेंट्स कंट्रोल प्लस ओ, चूज आ डॉक्यूमेंट्स कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, फिर स्प्लिट द डॉक्यूमेंट्स विंडो अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस यस। उसके बाद आप लोग एक बार रिमूव द डॉक्यूमेंट्स विंडोज स्प्लिट, आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स विंडोज स्प्लिट को रिमूव करना हो अगर फिर भी ये क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है तो अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस सी अथवा अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस यस, अगर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन दिया गया है तो आप एक ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा। फिर सेव अ डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस यस, फिर इंसर्ट अ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक आप कैसे इंसर्ट करोगे, कंट्रोल प्लस के, इसकी शॉर्ट की कंट्रोल प्लस के होगी, ये एम एस वर्ड 2016 की बात कही जा रही है। गो टू बैक वन पेज तो अल्टर प्लस लेफ्ट एरो, फिर गो टू फॉरवर्ड ऑन पेज अल्टर प्लस राइट एरो, फिर यहाँ पर रिफ्रेश यानी F9। अब उसके बाद आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर दिया गया है प्रिंट एंड प्रीव्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए जो शॉर्ट की है उनके लिए, कि प्रिंट आ डॉक्यूमेंट्स कंट्रोल प्लस पी, स्विच टू प्रिंट प्रीव्यू अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस आई। उसके बाद यहाँ पर दिया गया मूव अराउंड द प्रीव्यू पेज व्हेन जूम्ड इन, तो एरो कीज से आप जूम करके यहाँ पर पेज का प्रीव्यू देख सकते हो। फिर मूव बाय वन प्रीव्यू पेज व्हेन जूम आउट, तो जूम आउट क्या करोगे, पेज अप आर पेज डाउन से। फिर यहाँ पर दिया गया मूव द फर्स्ट प्रीव्यू पेज व्हेन जूम्ड आउट कंट्रोल प्लस होम, फिर दिया गया है मूव टू द लास्ट प्रीव्यू पेज व्हेन जूम्ड आउट कंट्रोल प्लस एंड, फिर आप देख पा रहे हो चेक स्पेलिंग एंड रिव्यूज चेंजेस इन अ डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट में आप स्पेलिंग कैसे चेक करते हैं और रिव्यू चेंजेस, कुछ रिव्यू चेंजेस जो होती हैं उनकी शॉर्ट की यहाँ पर बताई जा रही है, यानी कि इंसर्ट अ कमेंट इन द रिवीजन टास्क पेन, तो टास्क पेन रिवीजन में आप एक कमेंट इंसर्ट करना हो या फिर ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता हो तो वहाँ पर आप अल्टर प्लस आर प्लस सी क्या है कि राइट ऑप्शन चूज करोगे। फिर यहाँ पर दिया गया है टर्न चेंज ट्रैकिंग ऑन आर ऑफ, तो ये जो चेंज ट्रैकिंग होगी उसको ऑन अथवा ऑफ करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज की जाती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई, और उसके बाद फिर क्लोज द रिव्यूइंग पेन इफ इट इज ओपन, तो क्लोज करना या फिर ओपन करना रिव्यूइंग पेन का इसका शॉर्ट की क्या होगा, अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस सी होगा। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा पीडीएफ को और बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग अच्छे से पढ़ भी सकते हो अगर ना समझ में आ रही हो हमारी बातें। तो सेलेक्ट रिव्यू टैब ऑन रिवन, इसको आप करना है तो अल्टर प्लस आर या फिर देन डाउन एरो टू मूव टू कमांड्स ऑन दिस टैब। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर दिया गया सेलेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो स्पेलिंग और ग्रामर को कैसे सेलेक्ट करना है अगर आपको, तो वहाँ की शॉर्ट की क्या होगी, अल्टर प्लस आर या फिर यस, केवल यस आप प्रेस कर दोगे तो फिर भी यहाँ पर सेलेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर आ जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया फाइंड रिप्लेस एंड रिप्लेस एंड गो टू स्पेसिफिक आइटम्स इन द डॉक्यूमेंट्स, इसकी शॉर्ट की यहाँ पर बताई जा रही है, तो ओपन द सर्च बॉक्स इन द नेविगेशन टास्क पेन तो कंट्रोल प्लस एफ, फिर रिप्लेस टेस्ट स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग एंड स्पेशल आइटम्स कंट्रोल प्लस एच, फिर आगे बढ़ोगे यहाँ पर दिया गया गो टू पेज बुकमार्क फुटनेट टेबल कमेंट ग्राफिक आर अदर लोकेशन कंट्रोल प्लस जी, फिर स्विच बिटवीन द लास्ट फोर प्लेसेस दैट यू हैव एडिट, तो इसका क्या होगा, अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस जेड, ठीक ये इसकी शॉर्ट की होगी अगर आपसे क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है कि व्हिच स्विच बिटवीन, माफ कीजिएगा, स्विच बिटवीन द लास्ट फोर प्लेस दैट यू हैव एडिट, अगर इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पुटअप किया जाता है ऑप्शन में ढेर सारी शॉर्ट की दी रही होंगी और वहाँ पर आपको एक ऑप्शन में एक शॉर्ट की ये मिल जाती है कि अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस जेड, तो आप लोग इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये ऑप्शन आपका राइट रहेगा। फ्रेंड्स फिर यहाँ पर हम पढ़ेंगे मूव अराउंड इन आर डॉक्यूमेंट्स यूजिंग द कीबोर्ड, तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने आपको यहाँ पर टोटल देखते हैं कितने पेज का कवर किया, तो 5 पेज का हमने कवर कर दिया, ठीक। मूव अराउंड इन आर डॉक्यूमेंट्स यूजिंग अ कीबोर्ड आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा, तो इस तरह से आप लोगों को पूरी की पूरी शॉर्ट की एम एस वर्ड की कंप्लीट कर दी जाएगी और आज ही एम एस वर्ड 2016 की क्लास एंड कर दी जाएगी। आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर ये कमेंट कीजिएगा कि हाँ क्लास आप आगे जारी रखिए एमएस वर्ड 2016 के शॉर्ट की तो नेक्स्ट वीडियो आपकी शॉर्ट की मिल जाएगी, ठीक। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जो लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।